मम्स देसी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगी तवे पे स्वादिष्ट पिज्जा आसानी से कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर सॉस, आधी कटी हुई शिमला मिर्च, छोटा कटा हुआ टमाटर, दो बड़े कटे हुए प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, टॉपिंग्स के लिए थोड़ा पनीर, एक बड़ा कटा हुआ प्याज, आधा बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च, चीज और मसालों में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक, अजीनोमोटो, थोड़ा गर्म मसाला और तेल और पिज्जा ब्रेड, ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर टॉपिंग्स को हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय उसमें थोड़ा नमक डालेंगे। जब ये हल्के फ्राई हो जाएं, तो इन्हें कढ़ाई से निकालकर प्लेट में रख देंगे। अब पिज्जा का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी हींग और कटी हुई प्याज और पत्ता गोभी डालकर पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा कटा हुआ टमाटर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ा अजीनोमोटो डालकर पकाएंगे। जब सब्जी पकने वाली हो तो इसमें टमाटर सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जब मसाला तैयार हो जाए तो इस तरह दिखेगा। अब पिज्जा तैयार करने के लिए तवे पर हल्का तेल डालेंगे और उसे फैलाएंगे और उस पर पिज्जा ब्रेड को दोनों साइड से हल्का सेकेंगे। जब दोनों साइड हल्की सी सिक जाए तब उस पर टमाटर सॉस लगाएंगे और हमने जो मसाला तैयार किया है उसे हम पिज्जा ब्रेड पर अच्छी तरह फैला देंगे। इसके बाद हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में टॉपिंग्स तैयार किए थे वो पिज्जा पर डालेंगे और लास्ट में चीज डालेंगे। इस तरह हमारा स्वादिष्ट वेज पिज्जा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस चैनल पर अगली कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे।